भाई ये कौन सी डिवाइस आप लगा रहे हो? ओके इसका टर्मिनेशन आप करने जा रहे हो? ओके तो हमें थोड़ा हमें भी दिखाओ इसका टर्मिनेशन आप कैसे कर रहे हो। ओके देखिए इसका टर्मिनेशन कर रहे हैं। ये आप कौन सी वायर लगाए अभी? अभी ये इन का वायर है। ओके लूप के इन का वायर लगाए हैं। ओके अच्छा ये लूप आउट की वायर है, मतलब ये इन आया और ये आउट गया। ओके थोड़ा टर्मिनेशन दिखाइए इधर, तो ने कैसे टर्मिनेशन किया हुआ है तो थोड़ा इसको बता सकते हैं कौन सी प्लस कौन सी माइनस, कौन सी प्लस कौन सी माइनस इन आउट में? हाँ माइनस है ना, ये इन में ये जो ये वाला प्लस है ये माइनस है। ओके ये इन का प्लस माइनस हो गया। ओके ये आउट का प्लस है। ओके माइनस है। ओके तो इसका टर्मिनेशन हो चुका है। हाँ हो चुका है। ओके ये एम सी पी है। हाँ जी थोड़ा इसका लुक दिखाइए तो घुमा के देखा ना। ओके कैसे लगेगा? ओके ओके ठीक है टर्मिनेशन इसको इंस्टॉल करिए। टर्मिनेशन हो गया इंस्टॉल करिए इसको। देखिए बाखूबी इंस्टॉल करते हुए तो। ओके मतलब ये साइज कंप्लीट नहीं है, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। ओके ये एडवर्ड का है एमसीपी, ठीक है इसको ये लगा रहे हैं। इसका टर्मिनेशन हो चुका है लेकिन ये फिक्स नहीं आ रहा है प्रॉपर, इसका साइज नहीं आ रहा है क्योंकि इससे कुछ खालता है जो अंदर तक आ चुका है। अच्छा इसके ऊपर वो जो वायर दिख रही है वो किस चीज़ की वायर है? वो रेड कलर की वायर जो ऊपर दिख रही है वो भी लगाएंगे। ओके वो भी आप लगाएंगे हैं? चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लेशर का भी टर्मिनेशन दिखाएंगे हम, वो वायर जो दिख रही है। देखिए इंस्टॉल करते हुए इसका जो स्क्रू है वो नहीं लग रहा है, छोटा है इसलिए बड़ा स्क्रू लगाया है। ओके बॉक्स ज़्यादा डीप है यहाँ तो ये दूसरा स्क्रू लगा रहे हैं, आप दूसरा स्क्रू भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी एमसीपी इंस्टॉल हो चुकी है। ओके ओके गुड लुकिंग, ये एडवर्ड की है ESD की एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है अभी, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये चाबी किस लिए है? चाबी है खोलने के लिए, फिर लगाने के लिए। ओके इसका फंक्शन है आप इसको, अच्छा इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? ये पहले दबाना है, दबाने के बाद फिर इसको नॉर्मल करने के लिए इसको खोल के स्विच को नीचे करना पड़ेगा, फिर लगा दो। ओके अब इसको नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं, देखिए कितना बाखूबी है नॉर्मल कर रहे हैं। ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है और इसका ये बार कोड इन्होंने चिपका दिया है। ओके थैंक यू।